अगर आप SSB के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको SSB OIR की कॉपी जरूर लेनी चाहिए ताकि आप SSB क्रैक करने की पॉसिबिलिटी को बढ़ा सको, और आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कुछ लोग इन्हें अदृश्य यानी इनविजिबल फोर्स के नाम से जानते हैं, वही कुछ लोग इन्हें दाढ़ी वाला फौज के नाम से बुलाते हैं, पर हकीकत में ये है इंडियन नेवी की एलीट स्पेशल फोर्सेस यूनिट मार्कोस, जिनका मोटो है द फ्यू द फियरलेस। मार्कोस के कमांडोज को मैरीन कमांडोज बोला जाता है, जो हाईली स्पेशलाइज्ड होते हैं टू कंडक्ट एनी मिशन इन ऑल टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट, एट सी, इन एयर एंड ऑन लैंड। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि मार्कोस को अस्तित्व में कैसे लाया गया, इनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, और इन्होंने किन किन ऑपरेशंस में अपनी काबिलियत का प्रदर्शन किया है। बट फर्स्ट लेट्स रोल आउट द इंट्रो। मार्कोस, जिन्हें ऑफिशियली MCF यानी मरीन कमांडो फोर्सेस बोला जाता है, इसकी स्थापना फरवरी 1987 में हुई थी एज स्पेशल फोर्सेस यूनिट ऑफ इंडियन नेवी, और उस समय इसका नाम था IMSF यानी इंडियन मरीन स्पेशल फोर्स, जिसे 1991 में बदलकर मरीन कमांडो फोर्स कर दिया गया। टाइम के साथ इनके रोल्स भी काफी एक्सटेंड हुए हैं, और आज मार्कोस यूनिट्स ट्राई सर्विस आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल ऑपरेशंस डिवीजन का पार्ट भी है, जो इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स की स्पेशल फोर्सेस यूनिट के साथ कश्मीर वैली में हो रहे ऑपरेशंस में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही है। मरीन कमांडोज बनना कोई आसान बात नहीं है। मार्कोस का हिस्सा बनने के लिए ट्रेनीज को विश्व के सबसे मुश्किल कोर्स को क्लियर करना होता है, जिसमें स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग 2.5 टू 3 इयर्स तक का टाइम लगता है। ट्रेनीज की बेसिक ट्रेनिंग INS अभिमन्यु में होती है। INS अभिमन्यु वेस्टर्न नेवल कमांड का हिस्सा है, जो कि मुंबई में स्थित है। ये वही बेस है जहां मार्कोस का गठन किया गया था। 12 जुलाई 2016 में नेवल बेस INS करना को विशाखापट्टनम के पास कमीशन किया गया एज अ परमानेंट बेस फॉर द यूनिट। मरीन कमांडोज को पैरा ट्रूपर ट्रेनिंग स्कूल आगरा, नेवीज डाइविंग स्कूल कोची, पर्वत घाटक स्कूल तवांग, डेजर्ट वॉरफेयर स्कूल राजस्थान, हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल सोनमार्ग, और काउंटर इंसर्जेंसी एंड जंगल वॉरफेयर स्कूल मिजोरम जैसे टॉप क्लास इंस्टीट्यूशंस में ट्रेनिंग दी जाती है। कंबैटिंग टेररिज्म इन अ मैरिटाइम एनवायरनमेंट, कंडक्ट ऑफ क्लैंडेस्टाइन डाइविंग ऑपरेशंस, सर्वेलेंस एंड रेके मिशंस, क्लैंडेस्टाइन अटैक अगेंस्ट एनिमी शिप्स, ऑफशोर इंस्टॉलेशंस and other vital assets behind enemy lines are the core missions of Marcos. Marcos द्वारा किए जाने वाले operations highly classified होते हैं, बावजूद इसके कुछ operations ऐसे हैं जिसकी जानकारी public domain में मौजूद है, और जिनमें marine commandos ने अपनी काबिलियत का प्रदर्शन किया है, और ऐसे operations के नाम हैं Operation Pavan 1987, Operation Cactus 1988, ऑपरेशन ताशा 1991, ऑपरेशन जबरदस्त 1992, यूनाइटेड नेशंस ऑपरेशन इन समालिया 1993, ऑपरेशन रक्षक 1995, कारगिल वॉर 1999 और 2008 का ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो। अगर आप भी फ्यूचर में स्पेशल फोर्सेस यूनिट को ज्वाइन करना चाहते हो तो हमारी नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें, जहां पर हम देखेंगे कि कैसे कोई भी मरीन कमांडो बन सकता है। अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। लाइक करें इस वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।